नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। राजनीति में कई बार अपनी बात संकेतों में कही जाती है, इसमें सियासतदानों की खामोशी के मायने तलाशे जाते हैं। यूपी में इस वक्त कुछ यही हो रहा है। मामला सपा के खेमे से जुड़ा है, जहां आजम खान की नाराजगी को लेकर पारा हाई है। अब इसमें नया मोड़ आ गया है। आजम ने आज खुद को अखिलेश का दूत बताकर मिलने पहुंचे पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा को बैरंग लौटा दिया। सीतापुर जेल की दहलीज लांघकर रविदास मेहरोत्रा अंदर तो गए, लेकिन आजम ने उनसे मुलाकात नहीं की। सूत्रों के मुताबिक आजम ने संदेश भिजवाया कि मेरी तबीयत खराब है, और इस पर तमाम अटकलें अब लगाई जा रही हैं और इसको आजम की नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इतना सब हो गया, लेकिन अखिलेश यादव आजम की नाराजगी पर कुछ नहीं कह रहे। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम के साथ है। देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी उनके साथ। अखिलेश के दूत से आजम की तौबा तौबा। हम मिलने के लिए आए हैं, हमारे साथ में वर्मा जी मिलने के लिए आए हैं, हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। चेहरे बुखार है और उनको लुभसन हो रहा है, वो दवा खाते हैं। सपा के विधायक से नहीं मिले आजम खान। मैं समझता हूँ कि नाराज नहीं है, लेकिन वो नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, प्रधानमंत्री से है, गृह मंत्री से है, मुख्यमंत्री से है। अखिलेश के साथ साथ वाली सफाई। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा सपा के दिग्गज नेता आजम खान से उनकी नाराजगी की खबरों के बीच मिलने सीतापुर जेल पहुंचे, लेकिन आजम खान अखिलेश यादव के दूत बताए जा रहे रविदास मेहरोत्रा से नहीं मिले। मेहरोत्रा ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि उन्हें जेल प्रशासन ने झूठे बहाने बनाकर आजम खान से मिलने ही नहीं दिया, तो वहीं जेल प्रशासन के मुताबिक आजम खान ने खुद अपने बीमार होने की बात कहकर रविदास मेहरोत्रा से मिलने से ही तौबा कर ली। जो है विधायक रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में पहुंचा हुआ है, करीब आधा घंटा होने को है और जेल के अधिकारियों के पास अभी प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आजम खान ने अपनी बीमारी का कारण बताकर मिलने से मना कर दिया है। भले अखिलेश यादव के दूत बनकर आए सपा विधायक से आजम खान ने मिलने से इनकार किया हो, लेकिन शुक्रवार को आजम खान प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से जरूर मिले थे। पूरे घंटे भर तक दोनों नेताओं की जेल के भीतर मुलाकात चली थी। जब रविदास मेहरोत्रा से आजम के न मिलने की खबरें सुर्खियां बनी तो अखिलेश यादव से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अखिलेश ने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि आजम खान से मिलने कौन गया था। ये जवाब हैरान करने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का दावा है कि वे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ही आजम से मिलने पहुंचे थे। अब दोनों नेताओं के बयान एक साथ सुनिए। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मेरी मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्देश पर आए थे और हम लोग ये मिलने आए थे। हम लोग विधानसभा के अंदर बहुत मजबूती के साथ इसको उठाएंगे। दोनों नेताओं के इस बयान को एक साथ सुनने से साफ लग रहा है कि आजम खान को लेकर सपा के भीतर अंदर खाने कुछ तो चल रहा है, वरना ये कैसे मुमकिन था कि विधायक कहें कि वे अध्यक्ष जी के कहने पर जेल में आजम खान से मिलने गए थे और खुद अध्यक्ष अखिलेश यादव कहें कि ये तो मेरी जानकारी में ही नहीं था। असमंजस की ये स्थिति तब सामने आई जबकि जेल प्रशासन के मुताबिक आजम ने खुद रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया। इन सब के बीच अखिलेश यादव के तेवर से कुछ और भी संकेत मिल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आजम खान नाराज हैं, तो सपा अध्यक्ष ने इससे इनकार नहीं किया। इस सीधे सवाल के जवाब की जगह उन्होंने बस इतना कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है और अगर उनके साथ किसी ने अन्याय किया है तो वो भाजपा है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी। उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर के ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सके। जाहिर है अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे कुछ तो जरूर छिपा है, क्योंकि अखिलेश चाहते तो आजम खान की नाराजगी के सवाल पर साफ साफ जवाब दे सकते थे। अखिलेश की तरफ से लीगली मदद करने की बात कहने से साफ है कि मामला अदालत में है, इसलिए सपा की एक सीमा है और बाद में आजम पर संगीन मुकदमे के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराना एक और भी बड़ा संकेत है। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव नपे तुले शब्दों में ये साफ कर रहे हैं कि वो आजम या उनके समर्थकों की तरफ से किसी दबाव में नहीं आने वाले, वो भी तब जबकि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के मुकाबले आजम खान ने खुले तौर पर शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात को ज्यादा तवज्जो दी हो। आजम को लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में मची खलबली से जाहिर है कि अंदर ही अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर एक के बाद एक हमले की बौछार कर दी। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर चुभते हुए प्रहार किए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन इस वक्त राज्य में अपराधी बेलगाम है। अखिलेश आज अमेठी में थे, जहां वो सब इंस्पेक्टर रश्मि यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। रश्मि ने शुक्रवार को खुदकुशी कर ली थी। अखिलेश ने इसके पीछे राजनीतिक दबाव को वजह बताया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सरकार में तमाम जगहों पर एक खास जाति के अफसरों की नियुक्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सपा की सरकार पर जाति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति के आरोप लगाती थी, लेकिन आज के हालात बताते हैं कि ये काम खुद उसी की सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव ने खड़े किए कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा अगर कहीं हुई है देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अखिलेश की योगी सरकार पर जाति वाली सियासी स्ट्राइक। लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने को देख लें मुख्यमंत्री की, खुद जाति के लोग बैठकर अन्याय कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक के बाद एक वारदातों को गिना रहे हैं और योगी सरकार से सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि चुनाव में कानून व्यवस्था पर बड़े वादे करने वाली भाजपा की सरकार में क्यों बेकाबू हैं अपराधी। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये सरकार कंटिन्यूटी की है। अखिलेश यादव रविवार को अमेठी के दौरे पर थे, यहाँ वे खुदकुशी करने वाले पुलिस उप निरीक्षक रश्मि यादव के परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दी। शुक्रवार को रश्मि का शव सरकारी आवास से फंदे से लटका मिला था। रश्मि अमेठी के मोहनगंज थाने की महिला चौकी प्रभारी के रूप में तैनात थी। रश्मि लखनऊ की गुसाईगंज की रहने वाली थी। 2017 में उनका चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। अखिलेश यादव ने रश्मि की खुदकुशी के लिए सियासी दबाव को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस पर जिम्मेदारी और भरोसा यह है कि वो जनता की सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं, और ये पहली घटना नहीं है जहां पर पुलिस को आत्महत्या करनी पड़ रही है, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई, और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारियां मिली हैं, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या एक विशेष जाति का होने की वजह से रश्मि पर सियासी दबाव था। तो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लें मुख्यमंत्री की, खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले पर विधानसभा में सरकार को घेरने की भी घोषणा की है। अखिलेश ने पूछे प्रयागराज की वारदात पर सवाल।
अखिलेश यादव ने प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने सवाल किया कि आखिर बार बार प्रयागराज में नृशंस वारदात को अंजाम देने की अपराधी हिमाकत कैसे कर रहे हैं, आखिर जमीन पर कहां है क्राइम कंट्रोल का दावा। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई हो और पुलिस सो रही है। जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आए हों उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्यों की हत्या कैसे हो गई। और इलाहाबाद में पहली बार हत्या नहीं हुई है, 2017 से लेकर के अभी तक प्रयागराज में न जाने कितने परिवार खत्म हो चुके हैं, पूरे परिवार खत्म हो गए। इसलिए ये सरकार मनमानी कर रही है, इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अखिलेश यादव के तेवर बताने को काफी हैं कि आने वाले दिनों में सपा कानून व्यवस्था को कितना बड़ा मुद्दा बना सकती है। इस बीच प्रयागराज के थरवाई में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल भी मृतकों के परिजनों से मिला। टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन की अगुवाई में पार्टी के 5 नेताओं का दल यहां पहुंचा। इसमें यूपी के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी भी शामिल थे। इन नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीबीआई जांच की मांग की है। ये मांग हम सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और कोर्ट की और नेशनल वीमेंस कमीशन की और हर जगह और देश की जनता की ओर हम ले जाने की कोशिश करेंगे। परिवार में जो 2 महिलाएं जिनकी मौत हुई है उनके कपड़े फाड़े गए थे, उनके वस्त्र नहीं पहने थे, उनका बलात्कार हुआ है, ये बात अब तक बाहर नहीं आई थी, ये हमें अभी यहाँ आकर पता चली है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक तो मांग इनकी सीबीआई डिमांड सीबीआई इंक्वायरी की है, उसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सो रहा है, यूपी गवर्नमेंट महाराज साहब महाराज इतने बड़े कि महाराज को समय नहीं है यहाँ आने के लिए, महाराज अपने दरबार में बुला लेंगे सबको। यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है, 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई है, लेकिन सरकार से कोई यहाँ पे आया नहीं है। शिवपाल यादव पहले ही पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे चुके हैं। शिवपाल ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी कहा था कि अगर कानून व्यवस्था सही होती तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। अब अखिलेश यादव इस मुद्दे पर आर पार के मूड में दिख रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अमेठी से विवेक त्रिपाठी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब बात लखीमपुर के खलनायक की। नाम है आशीष मिश्रा मोनू। एक बार फिर मोनू जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। लखीमपुर कांड के इस मुख्य आरोपी की जमानत को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आशीष को सोमवार तक सरेंडर की मोहलत दी गई थी, लेकिन उसने एक दिन पहले ही लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान एक बार फिर पुलिस ने उसे कैमरे की नजर से बचाने की कोशिश की। गुपचुप ढंग से उसकी जेल में पिछले गेट से एंट्री कराई गई। अब आशीष को नए सिरे से हाईकोर्ट में बेल की अर्जी देनी है। मोनू की जेल वापसी। थार वाला खलनायक फिर सलाखों के अंदर। जेल वापसी के लिए सरेंडर की मियाद तय हो चुकी थी, कोई और चारा नहीं था, आखिरकार करना ही पड़ा। लखीमपुर के थार कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आशीष को जमानत दी थी, जिसके बाद 15 फरवरी को 129 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद आशीष मिश्रा बेल पर बाहर आ गया था। इसके खिलाफ पीड़ित किसान परिवारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसके बाद 18 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत रद्द कर दी और उसे हफ्ते भर में सरेंडर करने को कहा था। आशीष मिश्रा चाहता तो एक दिन बाद भी सरेंडर कर सकता था, उसे 25 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करना था, लेकिन रविवार को छुट्टी के दिन को उसने इसके लिए चुना। शायद उसे ये यकीन रहा हो कि इस दिन उसके सरेंडर की खबरें उस तरह सुर्खियों में न रह पाएं जैसा पहले रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरे की नजर पहले से ही सीजेएम कोर्ट के परिसर पर टिकी थी।
आशीष मिश्रा जब सीजेएम के कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा तो यहां सुरक्षा खासी सख्त थी। लखीमपुर सदर थाने की गाड़ी में बिठाकर कोर्ट से जेल ले जाया गया। आशीष की जेल में भी पिछले गेट से एंट्री कराई गई। अब आशीष को नए सिरे से रेगुलर बेल के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को भी सुनना होगा। इसके बाद ही उच्च न्यायालय में बेल की याचिका पर सुनवाई पूरी होगी। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ पर थार चढ़ाने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब पीड़ित परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात दंगाइयों के खिलाफ यूपी पुलिस की सबसे बड़ी तैयारी की। इसे आप बुलडोजर प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि जिस किसी ने भी प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश की उसे कुचल दिया जाएगा। आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं, ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक और एटा से लेकर कासगंज तक जबरदस्त तैयारी दिखी। पुलिस ने दंगाइयों को संभालने की मॉक ड्रिल की, जिससे हर आशंका से निपटा जा सके। हंगामा करती हुई भीड़, पुलिस पर करने लगी पथराव। एंटीरॉयड गन का भी अभ्यास किया गया। ईद के मौके को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने खुद को न सिर्फ तैयार किया बल्कि इस वीडियो के जरिए संदेश देने की कोशिश भी की कि अगर गाजियाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सारी हेकड़ी निकाल दी जाएगी। एटा पुलिस ने भी चेतावनी जारी की है कि शहर का माहौल बिगाड़ने वालों का फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा। लाल पीला झंडा उठाकर उपद्रव करने वालों के नाम संदेश था कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एटा पुलिस ने भी मॉक ड्रिल किया और खुद को आपात स्थिति के लिए तैयार किया। पुलिस लाइन में, पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में दंगा नियंत्रण का एक रिहर्सल हुआ है। इसमें जो हम लोग दंगा नियंत्रण का रिहर्सल करते हैं सारी पार्टीज को के साथ आज का रिहर्सल किया गया है। साथ ही में हमारे पास जितने भी एंटी राइट गियर, एंटी राइट इक्विपमेंट जितने भी हैं उनका रखरखाव भी जो है वो पुलिस लाइन में चेक किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ईद के त्योहार को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए और दंगाइयों को अल्टीमेटम भी दिया गया। देखिए अभी क्या कहते हैं, त्योहार चल रहे हैं, अभी रमजान का माह भी चल रहा है, आगामी त्योहार, आगे और भी त्योहार आ रहे हैं विभिन्न धर्मों के, और जनरल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के मद्देनजर आज जनपद मुजफ्फरनगर में जो दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल किया गया, ये पूरे जनपद में किया जा रहा है। आज शहरी क्षेत्र में किया गया, इसी प्रकार से आज थाना मीरापुर क्षेत्र में, तहसील जानसठ क्षेत्र में भी किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे दिया है और दंगाइयों और उपद्रवियों को चेताया है, वरना सड़क पर उतरे दंगाई तो फैसला होगा ऑन द स्पॉट। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस के चर्चे तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे दारोगा की करतूत जो 9 साल में सबसे अमीर दारोगा बन गया। बड़े बड़े अधिकारियों ने उसे सम्मानित किया तो उसी सम्मान की बदौलत वो मेरठ के अलग अलग हिस्सों में अपनी अकूत संपत्ति बनाता चला गया। और जब खुलासा हुआ तो मेरठ से लेकर लखनऊ तक सबके होश उड़ गए। आज आपको दिखाते हैं मेरठ के करोड़पति दारोगा जिसका हो गया गेम ओवर और अब उसकी काली कमाई पर चलेगा बुलडोजर। बदन पर खाकी, ताक पर कानून, काली कमाई का सिर चढ़ा जुनून, मेरठ का करोड़पति दरोगा। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर पूरे फिल्म स्टाइल में पोज देकर
फोटोग्राफी कराने वाले दरोगा के चर्चे मेरठ की गलियों से लेकर लखनऊ के चौराहों तक है, क्योंकि काली कमाई का भूत इस कदर सवार हुआ था कि कानून ताक पर रख दिया। इसकी अलग अलग तस्वीर देखनी हो तो अब इसके कारनामे भी जान लीजिए, जिसकी वजह से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। ये कोई ऐसा वैसा दरोगा नहीं है, करोड़पति दरोगा है। नाम है धर्मेंद्र सिंह। साल 2018 में धर्मेंद्र सिंह मेरठ के हस्तिनापुर थाने के थानाध्यक्ष हुआ करते थे। इसी दौरान उन्होंने हस्तिनापुर सेंचुरी में आलीशान फार्म हाउस का निर्माण भी करा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हस्तिनापुर सेंचुरी में पक्के निर्माण को इजाजत दी ही नहीं जा सकती, लेकिन चूंकि वो यहाँ के थानाध्यक्ष थे, अपना रसूख था, तो उन्होंने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर हस्तिनापुर सेंचुरी में ही आलीशान फार्म हाउस का निर्माण करा दिया। एक दो बार शिकायत भी हुई और जैसे ही धर्मेंद्र सिंह पर तबादले की तलवार लटकती थी, तभी एक सफ़ेद पोश का उनको संरक्षण था और अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनका तबादला रुकवा दिया जाता था। इसी हस्तिनापुर थाने में करीब 2.25 साल तक धर्मेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष भी रहे। मेरठ के हस्तिनापुर थाने के दरोगा धर्मेंद्र सिंह की शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी, जिसके बाद जांच की गई तो अधिकारियों के ही होश उड़ गए थे और इसकी काली कमाई से बनाई गई संपत्ति की लिस्ट बनाई तो कागज भी कम पड़ने लगा। 9 साल में खर्च कर दिए 1.5 करोड़, 9 साल में सरकारी पगार मिली 62 लाख। हस्तिनापुर में आलीशान फार्म हाउस, मेरठ में अलग अलग जगह कई फ्लैट। देखिए ये प्रक्रिया है, जब भी कभी किसी विषय पर जांच मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, इस प्रकरण में भी डीजी ऑफिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जांच कराई गई और उसके बाद उसे रेफर किया गया था। इसमें सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा इसमें FIR पंजीकृत कराई गई है और गुणदोष पर उसकी इन्वेस्टिगेशन सक्षम स्तर पर की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं है। आप जिस आलीशान फार्म हाउस को देख रहे हैं, ये दरोगा धर्मेंद्र सिंह का है, जिसे अब गिराने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर इस फार्म हाउस को खड़ा कर दिया गया। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद हम करोड़पति दरोगा धर्मेंद्र सिंह के उस आलीशान फार्म हाउस पर पहुंच ही गए जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। 2018 में भी ये फार्म हाउस और 2020 में भी ये फार्म हाउस सुर्खियों में आया था। नियम कायदों को ताक पर रखकर ये फार्म हाउस बना दिया गया और ये फार्म हाउस जिस जगह बनाया गया है, यहां पर वन सेंचुरी है, इसी निर्माण को यहां पर इजाजत दी ही नहीं जा सकती। आखिर फिर कैसे इतना बड़ा फार्म हाउस वन सेंचुरी में बन गया? हम यहां पहुंचे तो देखिए यहां ताला लगा हुआ है और यहां फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन यही वो अवैध निर्माण, अवैध फार्म हाउस, आलीशान फार्म हाउस इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। चूंकि दरोगा के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है, चूंकि योगी राज में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस मामले में डीजी ऑफिस में शिकायत की गई थी कि जो दरोगा धर्मेंद्र सिंह हैं, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है और उसमें बाकायदा इस हस्तिनापुर के आलीशान फार्म हाउस का जिक्र किया गया। दरअसल इस फार्म हाउस के अंदर कई राज दफन है। दरोगा धर्मेंद्र सिंह का फार्म हाउस है, स्विमिंग पूल से लेकर कई सुविधाएं हैं। फार्म हाउस में कई सफेद पोशों का आना जाना था। बड़ी बड़ी डील इसी फार्म हाउस में अंजाम दी गई थी। साल 2018 में मेरठ के हस्तिनापुर में धर्मेंद्र सिंह की तैनाती हुई, उसके बाद मानो उसकी किस्मत पलटती चली गई और करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर। जांच के बाद आरोपी दरोगा धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वही दरोगा की संपत्ति पर चलने वाला है बुलडोजर। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनोज शर्मा की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ये मौका यूपी के लिए खास रहा। पूरे देश में यूपी के कई पंचायतों की आज चर्चा रही। वजह, यहाँ विकास को जमीन तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर जालौन के रामपुरा गांव में थे, जहाँ से उन्होंने राज्य की 30 पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही जालौन में लगभग 1100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना साकार हो रही है, कई ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य के लिए अब पैसे की कमी नहीं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय हो, प्रधानमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है कि विकास की धुरी हमारी ग्राम पंचायतें बने।
और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम विकास के कार्यों के साथ गांव के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता को सुनिश्चित करें। 39,000 तकनीकी उपकरण से युक्त पंचायत सचिवालय, जिनमें 6,682,50,00,000 रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है, इसके लिए भी मैं ग्राम सचिवालय के डिजिटीकरण के इस लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं सभी ग्राम पंचायतों को जहाँ पर ये ग्राम सचिवालय का निर्माण संपन्न हुआ है उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से 90 करोड़ रुपए की लागत से 2,000 सामुदायिक शौचालय के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, इसके लिए मैं उन सभी ग्राम पंचायतों को मैं भी हृदय से बधाई देता हूँ। और 306 करोड़ रुपए 72,00,000 रुपए की लागत से प्रदेश में 7,10,000 LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, इनके भी लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। यानी अब केवल नगरीय क्षेत्र ही स्मार्ट नहीं दिखेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग LED स्ट्रीट लाइट, ग्राम सचिवालय की परिकल्पना, गांव में स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।